आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, विचार जो नए रास्तों की तरफ ले जाए। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो पर विचारों के सफर में आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त निहारिका। प्रस्तुत है कवयित्री कविता कृष्ण पल्लवी की फेसबुक वॉल से उनकी कविता नमक और सोना। ये कविता शासन और सत्ता की चाटुकारिता करने वाली उन रचनाकारों पर सवाल खड़े करती है जो स्वयं को जन पक्षधर होने का दावा करते हैं और संघर्षरत जनता को उनके पद से भ्रमित करने की तमाम कोशिशें करते रहते हैं। तो सुनिए ये कविता नमक और सोना। कवि सत्ता का नमक खाता है और जब उसका हक अदा करता है तो उसे सोना मिलता है। फिर कभी सुकून तलब माहौल में आराम से कई उत्कृष्ट कलात्मक कविताएं लिखता है और बताता है कि कविताएं जनता के पक्ष में हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर विचारों का सफर आप कर रहे थे कवयित्री कविता कृष्ण पल्लवी की कविता के साथ, जिसका शीर्षक था नमक और सोना। इस वादे के साथ कि आपकी विचार यात्रा में कल फिर हम आपके साथ होंगे, फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी निहारिका को। नमस्कार। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, विचार जो नए रास्तों की तरफ ले जाए।